गाइस आज जो आप गाड़ी देखेंगे ना वो गाड़ी तकरीबन आज से 35-36 साल पुरानी है। मतलब गाड़ी जो है अंदर बाहर से पूरी जेन्युइन है, अभी तक फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और ये गाड़ी खड़ी है मेरे बराबर में, ये देख लें, ये गाड़ी है। और ये गाड़ी है निसान की, निसान पुलसार की गाड़ी है ये। और मेरे ख्याल में ये मॉडल है तकरीबन 78 या 80 का मॉडल है। और इस गाड़ी की मैं आपको हर चीज़ ये दिखा रहा हूँ कि अभी तक जेन्युइन है। मतलब इसके पिलर विलर छत वत शीशा तक इसका अभी तक जेन्युइन है। हाँ, शीशे पे देखो अगर नंबर लिखे हुए हैं, नंबर इसका रजिस्ट्रेशन D1613 और इधर भी देख लें D1613 सेम है। और ये छत इसकी अभी तक मतलब कि फेड हो गई है, मेरे ख्याल से ये जेन्युइन है। और अगर मैं आपको इसके दरवाजे खोल कर दिखाऊँ तो इनकी सॉफ्ट ओपनिंग है और सॉफ्ट बिल्कुल ही क्लोजिंग है, हर दरवाज़ा इसका काम करता है। ये देखें, ये देखें, यहाँ से इंटीरियर देख लें, इसके पिलर देख लें, जोड़ वगैरह देख लें, कोई भी सील अभी तक इसकी ब्रोकन नहीं है, ये देख लें। और यहाँ से भी इसकी कोई भी सील डिस्टर्ब नहीं है, अभी तक अपनी डोरियों में है ये गाड़ी। और ये सब चीज़ें इसकी जेन्युइन है, ये दरवाजे के गत्ते तक। और मैं अगर आपको इसका इंटीरियर दिखाऊँ तो ये जो टाइम है ये भी अभी तक इसका चल रहा है, एसी वेंट्स वगैरह, ये मीटर वगैरह सब कुछ, टेप और गियर नॉब, ये हैंड ब्रेक, ये कंसोल और ये सीट के अंदर मैचिंग वगैरह सब अभी तक जेन्युइन है। और तो और इसका जो पीछे का शीशा है ना वो भी अभी तक जेन्युइन, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, लिखा हुआ D1613 और अभी तक पूरी गाड़ी फेड हो चुकी है। और मैं आपको इसकी डिग्गी भी खोल के चेक करवाता हूँ कि इसकी बैक से डिग्गी कैसी है। अभी पापा खोल रहे हैं, ये खुल रही है, ये चाबी लूज हो गई, ताला खराब हो गया है, ताला खराब हो गया है, ये ताला खराब है, लेकिन ये चाबी इसकी अभी तक वही है, जेन्युइन है इसकी चाबी, मतलब 35 साल पुरानी चाबी है ये। ये देख लें भाई, निशान, निशान की लिखी हुई, निशान पल्सर, इस पर भी निशान लिखा है, देखो। हाँ, और ये लिखा हुआ है SJ410 1.0, 1000 cc है ये गाड़ी। और इसके जो है बंपर्स पर भी जो है भाई इंडिकेटर आते हैं, ये मिलते ही नहीं अभी, ये तो नहीं मिलते, लेकिन ये चीज़ें बन जाती हैं, ये पहले बनी हुई हैं, ये भी बनी हुई लाइट और वो भी लाइट बनी हुई है। और बाकी ये चीज़ें जो है इसकी जेन्युइन है, पेट्रोल का टैंक कीरा, और यहाँ पे जो है टायर्स के बिल्कुल नए हैं, और मेरे ख्याल से इधर इसकी स्टेपनी लगी हुई है। और ये देख लो भाई, ये यहाँ पे इसके मेरे ख्याल से बैक के वो हैं शीशों के। और इंटीरियर भी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इधर से भी देख लो भाई, कोई भी अभी तक इसकी सील डिस्टर्ब नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पे सारे बटन इसके जेन्युइन हैं, डैशबोर्ड और इसके अलावा ये मीटर भी। और यहाँ पे ये देख लें, ये निसान मार्च लिखा हुआ है, मार्च का ये शायद स्टीयरिंग या तो इसी का ही है, लेकिन इसके डैशबोर्ड पे अभी तक कोई चीज़ फेड नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब कि इसके अभी तक ख़राब नहीं हुई है। छत भी अगर मैं आपको इसके दिखाऊँ ना तो कहीं से भी कुछ नहीं हुआ इसको, ये चीज़ें देख लें। और ये देख रहे हैं, अगर गाड़ी कलर होती ना अंदर से तो ये आपको नज़र नहीं आता, यहाँ से आपको सारी इसकी सीलें वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये फेड हो गई है कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी, लेकिन भाई ये पेंट अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको इंजन रूम दिखाता हूँ इस गाड़ी का, और इसका स्टार्टअप भी चेक करवाता हूँ। स्टार्टअप जैसे करूँगा इसकी टेप चल जाएगी शुरू में, ये देखा भाई, देखा आप लोगों ने, एक सेल्फ में, हाफ सेल्फ में जो है ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब कि ऐसी गाड़ियाँ पापा मिलती नहीं है, टेप भी खुद ही चल रहा है। बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। अब पापा आप थोड़ा इस गाड़ी की डिटेल दें कि इसके क्या क्या स्पेसिफिक हैं और डिसएडवांटेज क्या है इस गाड़ी के और एडवांटेज क्या हैं। मसला ये है कि ये गाड़ी अभी तो फिलहाल मिल नहीं रही ना, सही, मतलब किसी किसी के पास है, जिसके पास भी ये समझ लो ये सोना है। अगर ये गाड़ी 4-4.5 लाख रुपए की भी है तो नई गाड़ी इसके मुकाबले में जो आती है जैसे कल्टस हो गई तो तकरीबन 20 से ऊपर ही मिलेगी। जी जी, 20 से ऊपर ही मिलेगी, लेकिन ये रोड ग्रिप गाड़ी है, लॉन्ग रूट की गाड़ी है और ये पूरी जेन्युइन गाड़ी है भाई। नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम लोग नंबर लिख देंगे, अगर आप में से किसी को भी गाड़ी लेनी है तो आप बता सकते हैं, उनसे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं। और इस गाड़ी की फाइनल डिमांड जो है वो है 4.5 लाख रुपए। इंजन रूम भी दिखा देते हैं, हाँ, इंजन रूम भी दिखा देते हैं और बैक साइड मैं आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी में स्पेस भी जो है बहुत ही अच्छा है, स्पेसिफिक स्पेस है इस गाड़ी में, ये देख लो भाई, बहुत ही स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। और ये डिग्गी वाली गाड़ी है भाई, ये देख लो, मतलब कि ये FX है, शेराड वाला इसका सीन नहीं है, इसमें अच्छा खासा स्पेस है, डिग्गी वाली गाड़ी, डिग्गी इसकी खुल नहीं रही है, वरना मैं आपको वो भी चेक करा था। और डोर की अगर मैं आपको क्लोजिंग चेक कराऊँ तो आपने देखा बिल्कुल ही मतलब साफ़ सुथरी क्लोजिंग है, और ओपनिंग भी देखिए बंद हो गई, देखा आप लोगों ने। और अभी चलो मैं आपको इसका इंजन रूम दिखाता हूँ, इंजन रूम भी जिन भाई की गाड़ी है वो बोल रहे हैं कि ये सील है अभी तक, कि अभी तक खुला नहीं है ये इंजन, पाना भी नहीं लगा है इसको। और ये टिकली भी आप लोग देख लो, निसान मोटर्स जापान, मतलब कि इम्पोर्टेड गाड़ी पापा, हाँ ये इम्पोर्टेड है, ये पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान लोकल नहीं है, लोकल नहीं है, मतलब ये इम्पोर्ट हुई होगी, इम्पोर्ट की हुई, ये पोर्ट के जरिए आई होगी, इससे सारे कागजात हैं। अच्छा,
और यहाँ पे अभी आपको मैं इसके कुप्पे वगैरह दिखा दूँ, अंदर से भाई कलर थोड़ा चेंज है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये जेन्युइन है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। ये कलर पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ होती थी ना, अंदर से फेड आता था कलर उनका, मतलब लाइट कलर उनका चेंज होता था, अंदर से फेड होता था, बाहर से शाइनी कलर आता था। सही सही। तो ये जेन्युइन है ये इसका कलर। और भाई ये इसका चेसिस नंबर है, अंदर से कहीं से भी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है अभी तक। निशान लिखा हुआ है ये देखो ना, ये सब भाई इसका निशान का ही सामान लगा हुआ है, कोई चीज़ इधर उधर नहीं हुई है। कुप्पे वगैरह मैं आपको दिखा दूं, और यहाँ से भी देख लो, इधर से भी सारा सीन देख लो, रस्टेड नहीं है पापा ये गाड़ी। हाँ रस्टेड नहीं है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी रही है और एक ही बंदे के पास रही है, उसने इसको समझ लो अपने औलाद की तरह रखा हुआ है। अभी भी गाड़ी का कपड़ा जो है, गाड़ी कपड़े में ढकी हुई थी वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ से निकाली ताकि हम लोग यहाँ से आपको बिल्कुल आराम से दिखा पाएं। ये जाली वगैरह, ये लाइटें वगैरह भाई ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इस गाड़ी का सारा सामान कम्प्लीट है। यहाँ से भी आप लोग बोनट देख लो, कहीं से भी कोई चीज़ कलर नहीं है इस बोनट में। इंटीरियर तो हाँ, आप एक और बार फिर से इंजन को स्टार्ट करें, मैं आपको फिर से इसका स्टार्टअप चेक करवाता हूँ, देख लें। इंजन में मतलब कोई भी काम नहीं है? कोई काम नहीं है इंजन में, कोई काम नहीं है। ये गाड़ी साफ सुथरी भाई, ये गिफ्ट है जिसको लेनी है भाई उसके लिए गिफ्ट है। बहुत ही एंटिक गाड़ी है, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। देखो ये देखो भाई, अंदर से भी देखो, अंदर से आपको कोई चीज इधर उधर नहीं दिखेगी, कहीं से कोई टाका वगैरह मुक्कियां वगैरह सब इसकी सेट है। नीचे से भी देखो भाई, गाड़ी कहीं से आपको रस्टेड नहीं दिखेगी, मतलब के आज के दौर की गाड़ियाँ फेड वगैरह हो जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी कहीं से रस्टेड वगैरह भाई कहीं से भी नहीं है। इधर भी देखो, इधर देखो, कोई भी चीज़ इसकी गाड़ी की जो है ना रस्टेड नहीं है। ये मुझे इस गाड़ी की चीज़ बड़ी पसंद आई। और अभी अंदर बैठ के देख लेते हैं, ये है इसका डैशबोर्ड। स्पेस बहुत अच्छा है इस गाड़ी में, स्पेस बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का। बैक का भी देख लो, और मतलब कि बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। अगर इसमें हम लोग बैठ के चेक करें तो ये देखो भाई, बिल्कुल ही सॉफ्ट क्लोजिंग है इस गाड़ी की। और ये मीटर देखो इसका ऑन हो गया, और उसके अलावा चाबी दिखाएं एक मिनट, चेक तो करें इसमें क्या क्या सिस्टम है। देखो टाइम दिखाओ, ये देखो इधर भी 4:09, 4:10 हो रहे हैं, यहाँ भी 4:10 हो गए, मतलब इसकी घड़ी अभी तक राइट है, ओके घड़ी है। ये देखो ये आफ्टर मार्केट लग रहा है मुझे शायद। हाँ, जैसे अपना है? नहीं नहीं, ये इसका आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट ही है, क्योंकि ऐसे कलर में नहीं होता वरना ये। हाँ। चलो एक बार इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसके कांटे वगैरह काम कर रहे हैं। स्टार्ट हो गई? नहीं, थोड़ा फुल घुमाओ। ओके भाई स्टार्ट हो गई, और मेरे ख्याल से इसके कांटे वगैरह सारे काम कर रहे हैं। पेट्रोल का जो कांटा है ना वो ऊपर आ गया। बंद करो भाई, बंद करो, गाने चला रही है गाड़ी। तो बहरहाल बाकी पूरी गाड़ी भाई बची हुई है, कहीं से भी जंगी वंगी भी नहीं है। छत वगैरह आप लोग इसकी देख सकते हो। आप जिसको भी ये गाड़ी चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना, और भाई का नंबर दे रहे हैं, आप लोग भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बाबा, उसमें नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है ठीक है। तो भाई इस व्लॉग को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।